अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस, रोल नंबर 76, टॉपिक कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन में। दे आर यूज बाय पाइथन इंटरप्रेटर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। पाइथन इंटरप्रेटर इसे किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए इस्तेमाल करता है कीवर्ड्स को। कीवर्ड डिफाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी आइडेंटिफायर। हम कीवर्ड्स को किसी भी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे आर यूज टू डिफाइन द सेंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। ये कीवर्ड्स जो है सेंटेक्स और स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज। कीवर्ड्स की कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि इसे समझ सकें कि कीवर्ड्स और दूसरे वर्ड्स में फ़र्क क्या है। तो यूज़र डिफाइन और पाइथन डिफाइन को कीवर्ड्स कहा जाता है। यूज़र डिफाइन की एक एग्जांपल के तौर पर लिया गया है, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 20 और जेड इज इक्वल टू 20। ये एक्स इज इक्वल टू 20 और वाई इज इक्वल टू 20 और जेड इज इक्वल टू 20 बेसिकली ये वेरिएबल्स हैं। और ये जो पाइथन डिफाइन है डेफ और इम्पोर्ट, ये कीवर्ड्स हैं। इसकी एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 20, ये हमने 20 को लोड किया है एक्स, कि हम इससे डिफाइन करेंगे एक्स को, 20 को डिफाइन करें एक्स। तो एक्स हमें अलोड किया, अगर मैं हूँ तो मैंने एक्स को 20 को एक्स अलोड किया। तो कोई और होगा वाई, 20 को वाई लिखेगा अलोड करेगा, कोई और होगा तीसरा बंदा होगा 20 को जेड अलोड करेगा। लेकिन जो पाइथन कीवर्ड्स हैं वो सेम ही यूज़ होंगे, जैसे कि डिफाइन डेफ, जो भी होगा फंक्शन डिफाइन करने के लिए वो डेफ को यूज़ करेगा, किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ही यूज़ करेगा। तो हम इंपोर्ट को जो यूज़र डिफाइन के तौर पर या इंपोर्ट इज इक्वल टू 20 नहीं ले सकते, किसी भी फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दे आर अनडिफाइंड इन पाइथन। जो यूज़र डिफाइंड है वो अनडिफाइंड होते हैं पाइथन में। ये हम खुद से अलोड करते हैं, खुद से समझने के लिए, और ये आइडेंटिफायर कहलाते हैं। और जो पाइथन डिफाइन होते हैं दे आर कॉल्ड प्री डिफाइंड इन पाइथन, क्योंकि ये पहले से डिफाइन होते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में, और इन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। तो हाउ मैनी कीवर्ड्स इन पाइथन। बेसिकली पाइथन में कीवर्ड्स की तादाद फिक्स नहीं है, ये बेस करता है वर्जन, मुख्तलिफ वर्जन के ऊपर। करंट वर्जन वो पाइथन 3.7.3, जिसमें बेसिकली 35 है, 3.7.1 है उसमें भी 35 है, उससे पहले जो आते थे उनमें 33 थे तकरीबन उससे पहले। ये तादाद चेंज होती रहती है मुख्तलिफ न्यू वर्जन के हिसाब से। तो देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स हैं मुख्तलिफ फॉल्स हैं, जो कि बुलियन स्टेटमेंट है, बुलियन स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लास को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम इंपोर्ट क्लास करता है, क्लास को इंपोर्ट करता है मॉड्यूल से। और बुलियन ऑपरेशन है, ये नॉन है, नन है जो ये नन टाइप ऑब्जेक्ट है। कंटिन्यू इंटरेक्शन, जो लूप में इंटरेक्शन होती है उसको एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। पास है, पास स्टेटमेंट टू डू नथिंग। ट्रू है, बुलियन स्टेटमेंट, बुलियन क्लास, बुलियन स्टेटमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। डेफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है। रेस प्रोग्राम में एक्सेप्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड बुलियन ऑपरेशन है, डिलीट किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंपोर्ट, जैसे कि आगे इंपोर्ट है, इंपोर्ट फाइल वगैरह को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज इंपोर्ट को नेम प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ एल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इन मेंबरशिप को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई एक्सेप्शन होकिंग कोड वगैरह है ये। इसके साथ एसर्ट है, अलाउ करता है डिबग को।
एल्स है कंडीशनल स्टेटमेंट है, इज़ है टेस्टिंग वेरिएबल, विल ये जब तक ट्रू ना हो स्टेटमेंट को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एसेंस टू डिफाइन क्वारंटाइन इन पाइथन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अवेट टू गेट सस वेट जो है इट इज़ यूज फॉर प्रोनाउंस प्रोसेसिंग, लेमडा टू क्रिएट लेमडा एक्सेप्शन, और उसके आगे विद है डिफाइन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइनली यूज विद ट्राई एक्सेप्शन ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट वगैरह, ये नैन लोकल है वेरिएबल को एसेस करने के लिए, यील्ड है जो रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न है, ये रिटर्न का रिप्लेसमेंट है, इसके साथ ब्रेक है लूप को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉन बुलियन ऑपरेशन है, और फॉर लूप को क्रिएट करने लूप वगैरह को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।